तो बोर्ड होता है, हम तो लगा देते हैं, लगा देते हैं। तो चला खुश है, कोई दिक्कत? इन लोगों ने कोई परेशान किया आपको? कोई परेशान नहीं किया? क्यों समस्या फिर से? क्यों ये सामाजिक होता है? एक छोटा रास्ता बताता हूँ तुम्हें। पीएमए भाई हाउस आईडी नंबर दिए, फ्रंट पर दिक कर दीजिए, फ्रंट पे नहीं, फ्रंट पे नहीं तो सर आपने किया वो मिट गया। छह बार और परमानेंट हाउस दिखा रहा है, प्रिंट हो रहा हो ना, उसी में आप डिगिंग कर दो। छोटा ही है, मालूम है, वो तो हमें कॉन्फिडेंस देती है। आवास दिखा रहे हैं, हेलो, आप कैसे आवास दिखा रहे हैं? हम पता है किसी घर दिखा रहे हो, तो वो आपके सेफ्टी के लिए क्या होता है? जब मकान बन रहा हो ना, यहाँ पर पीछे भी डिग कर देंगे, तो मात लिखना है पीएमए हाउस बेनिफिशियरी नाम, पांच पॉइंट, ताकि ये क्लियर हो सके कि हम जो आवास देख रहे हैं वो कि जो ग्राउंड पे आवास बना है या फिर नरेगा से काम हो रहा है, उसमें जो लाभार्थी हैं उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने उनको पैसा दे दिया अनुदान के रूप में, आवास में दे रहे हैं, ठीक है, उनको अपना खुद का लगा के बनाना है, वो बन गया है, वो खुशी है, बस यही काफ़ी है। हमारा ये प्रयास होता है कि आवास के बन जाने के बाद उनको बिजली कनेक्शन दें, उज्ज्वला से, उजाला से उसको लाइट, उज्ज्वला से गैस दें, उज्ज्वला से लाइट दें, मतलब उनको हर चीज़ से लिंकेज कर दें, कम्प्लीट हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि MIS पे जो लोग मेंटेन करते हैं, जिसके वजह से नरेगा में लोगों लड़कों ने काम किया, काम करने के बाद से उनको पेमेंट चाहिए, लेकिन वो जो सिस्टम अपडेट नहीं हो पा रहा, इसके वजह से आगे से पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो मेन रजिस्टर में बताया कि इसको ऐसे ऐसे मेंटेन करेंगे आप लोग, तो क्या होगा कि MIS पे दिखेगा, उसके बाद जब काम कम्प्लीट हो जाएगा तो पैसा गवर्नमेंट आपको जल्दी भेज देगी। वो चीज़ों को मैं इनको बता रहा था, यहाँ पर समझा रहा था कि आप लोगों को जॉब कार्ड के लोग परेशान न करें, आप लोग सिस्टम पे अपडेट करो ताकि टाइमली हमारा बिल जमा हो, टाइमली वहाँ से पेमेंट हो जाए। दैट्स इट। सुझाव भी दिए हाँ, पूरा सुझाव, मतलब पूरा रजिस्टर को बताया, जो बोर्ड हो या मकान हाँ, हाँ, एक्चुअली होता क्या सर कि हमारा गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि हर काम का बोर्ड होना चाहिए, एक रुपये पर लेकर बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड से क्या होता है कि कोई भी आदमी जाएगा तो भाई ये किस स्कीम बना हुआ है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है सबको। रोड बना हुआ है तो बोर्ड टूट जाते हैं, रियली बोर्ड टूट जाते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि बच्चे तोड़ देते हैं। तो हमारा यह था कि कुछ ऐसा बना करते हैं जो कि हम 10 साल बाद भी कोई जांच करने हैं तो बोर्ड आपको दिखे, ये हमारा परफॉर्मेंस बेहतर करेगा। अगर ये लोग रोड में बोर्ड को लगा देते हैं तो 20 साल बाद जाओगे गड्ढा तो मिलेगा आपको। तो हमारा मकसद है कि ज़िले का परफॉर्मेंस बेहतर हो, इनको मैं सुझाव दूँ, और सुझाव मैंने कागज़ पे भी दिया और ले जाके फिजिकल में भी वहाँ भी दिया, तो ताकि आपका जिला में अच्छा काम हो। और ये लोग जब परफॉर्मेंस मेंटेन करेंगे तो गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधा अवार्ड दे रही है ग्राम पंचायतों को, आप प्रॉपर में आइए, अच्छे सीखिए, ट्रेन लीजिए। तो मेरा मकसद था इस जिले का परफॉर्मेंस को मैं इंक्रीज बढ़ाऊँ, ठीक है। थैंक यू ओके सर, वो कुछ पता नहीं है, मैं भी आपको लिख नहीं कर सकता हूँ कहाँ पर। बाकी हमारा मोटो यहाँ इस गाँव में वही मोटो है, अगले गांव में मेरा वही मोटो, ये नहीं कि यहाँ मोटो कुछ और है, वहाँ मोटो कुछ और है, सेम चीज़ है। आप यहाँ मिलेंगे तो भी वही मिलेंगे, और वहाँ मिलेंगे तो भी आपको मैं वही मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू। অরণ্য শহর ঝাড়গ্রামে আধুনিকতার ছোঁয়া, এক ছাদের তলায় রয়েছে সবকিছু। হোটেল MJ সিগনেচার, মেইন রোড, পুরাতন ঝাড়গ্রাম কালী মন্দিরের কাছে। এখানে এক ছাদের তলায় আপনি পেয়ে যাবেন রেস্টুরেন্ট, ম্যারেজ হল, যে কোনো অনুষ্ঠানের রুম, অনলাইন ফুড ডেলিভারি ও স্টার ক্যাটাগরি রুমের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হোটেল MJ সিগনেচার। এছাড়াও তন্দুর, চাইনিজের বিশ্বস্ত গুণগত মানসম্পন্ন খাবার, অনলাইনেও খাবার অর্ডার করতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি খাদ্যের গুণগত মানের ওপর, আপনাদের সেবায় আমরা নিয়োজিত। যোগাযোগ করুন 9903-238-910 এই নম্বরে।